जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी इंग्लिश का क्लास। ठीक है, इंग्लिश क्लास में अभी हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन में अभी तक बहुत कुछ आपको हम बता चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ तथ्य को समझेंगे, फैक्ट जो हैं, जैसे प्रोनाउन ईट का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में ईट हम आप लोग यूज करेंगे उसकी जानकारी लेंगे, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, उसका आज हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, उसमें क्या यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इस चैनल में आप सबका वेलकम है, वेलकम टू आवर चैनल एडुफेस्ट। ठीक है ना, प्रोनाउन जैसा आप जानते हैं कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है ना, वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन में अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, आप नहीं देखे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, देख लेंगे, पीछे दो वीडियो आ चुका है और उन दो क्लासों में बहुत कुछ बताया गया प्रोनाउन के बारे में। आज हम लोग सम इम्पॉर्टेंट रूल्स प्रोनाउन के समझने जा रहे हैं, जैसे कि हम पहले ही बता दिए। और देखिए एक चीज़ और है, पैनिक होकर के नहीं पढ़ना है। वैसे भी ग्रामर को नीरस कहा गया है ना, साहित्य नहीं है, लिटरेचर जो होता है ना उसमें स्टोरी होता है, कहानी होता है, पिक्चर्स होते हैं, और ग्रामर में ये सब नहीं होता है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि ग्रामर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर के लिए, और बिना ग्रामर के कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो अधूरा होता है, पूरा नहीं होता है, अपूर्ण रहता है। तो ग्रामर की जानकारी आप बहुत सोच समझ कर लीजिए, समझदारी से, और उसको आत्मसात कीजिए, है ना, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग ग्रामर में, आज प्रोनाउन में आगे क्या है देखते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि आपको हम बताए थे अभी कि आज हम लोग इस क्लास में समझने जा रहे हैं यूजेज ऑफ ईट, यूजेज ऑफ ईट। जैसा आप जानते हैं ना, ईट, ईट मतलब यह होता है, दिस मीन्स भी यह होता है पास के लिए, और दैट मीन्स वह होता है, और ईट मीन्स यह होता है। तो ईट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, तो इसके लिए फर्स्ट रूल आपका है, पहला रूल नेचुरल इंसिडेंट, है ना, ध्यान रखेंगे इंसिडेंट, और एक होता है एक्सीडेंट, है इंग्लिश है, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, है ना। तो बहुत अधिक माने इसमें कंफ्यूजन होता है, बताए थे पहले भी हम आपको बताए हैं कि वर्ड जो होता है सेम स्पेलिंग होता है बट मीनिंग अलग होता है, प्रोनाउंस के हिसाब से उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट मतलब घटना, और एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, है ना, खराब हो जाता है। नेचुरल इंसिडेंट्स मतलब प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना जैसे सीजन, वेदर, अर्थक्वेक आदि, अथवा समय, टाइम, डे, ईयर, इस सबको बताने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसे न्यूट्रल और इंट्रोडक्टरी ईट कहा जाता है। इस तरह के जो ईट हम लोग प्रयोग करते हैं इसको न्यूट्रल, मतलब इसका हिंदी नहीं होता है, न्यूट्रल मीन्स क्या हुआ, इसका हिंदी नहीं होता है, जैसे ईट मीन्स यह होता है ना, तो ईट मीन्स यह होता है तो वहाँ यह का प्रयोग नहीं करेंगे, बस ईट ईट लग गया, ये न्यूट्रल होता है, इसका महत्व तो नहीं है उसमें, या इंट्रोडक्टरी, उसको इंट्रोडक्शन देता है, उसका परिचय देता है, ज़्यादा क्लियर होगा आपको एग्जाम्पल से। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें पहला नेचुरल जो है इंसिडेंट, जैसे एग्जाम्पल है आपका इट इज विंटर, इट इज विंटर मीन्स क्या कहेंगे आप, यह जाड़ा है, जी नहीं, यह जाड़ा है नहीं कहेंगे, है ना, जाड़ा है, जाड़ा का मौसम है, तो क्या कहेंगे, इट इज विंटर। इट इज 5 o'clock, हिंदी क्या बोलिएगा, यह 5 बजा है, नहीं, तो यहाँ देखिए इट इज 5 o'clock या इट इज विंटर या इट इज मंडे, इट इज रेनिंग, इसमें ये ईट जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल समझते हैं, एक हिडन होता है ना, जो वर्ड लेटर छुप जाता है, तो हिडन नहीं है, न्यूट्रल है, माने इसका हिंदी नहीं करेंगे, जाड़ा है, 5 बजे हैं, हिंदी करेंगे 5 बजे हैं, अगर कोई कहे कि अच्छा तो ईट लगा है तो यहाँ यह होगा ना, यह 5 बजे हैं, जी नहीं, ईट का हिंदी नहीं करेंगे, है ना, न्यूट्रल रहेगा वो ईट। इट इज मंडे मतलब
सोमवार है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है कि क्या कहेंगे, रेन इज रेनिंग, ये गलत हो जाएगा, है ना, वर्षा का रेन होता है ना, और रेनिंग माने हो रही है, तो आप बनाएंगे अगर सेंटेंस कि रेन इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो कंप्लीटली रॉन्ग, याद रखेंगे बिल्कुल गलत है, तो फिर क्या बनाएंगे, इट इज रेनिंग, फिर आपके मन में आएगा इट माने तो यह होता है, बिल्कुल आना चाहिए इट माने यह होता है, तो आप जान लें कि इस पहला जो रूल है इसमें इट क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स याद रखेंगे इंट्रोडक्टरी, बस इसका इंट्रोडक्शन देने का काम है कि वर्षा हो रही है, क्लियर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग रूल। नेक्स्ट रूल में सेकंड रूल है, सेकंड रूल ईट का प्रयोग है ना, ध्यान रखेंगे किसी निर्जीव है ना, लाइफलेस, जो जिसमें जान ना हो, लाइफलेस वस्तु के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल इट इज ए पेन है ना, एक पेन है, एक पेन है, कोई जरूरी नहीं आप कहें यह एक पेन है, जब यह एक पेन है कहेंगे तो दिस इज ए पेन बोलेंगे आप, यह एक पेन है तो इसको आप बोलिएगा दिस इज ए पेन, मतलब आप पेन को दिखा रहे हैं सामने आपके नज़दीक में है तो बोलिएगा दिस इज ए पेन, लेकिन अगर कोई कहे कि यह पेन है, यह एक पेन है ना, तो दिस इज ए पेन, और यह पेन है ऐसे ही कह दिया गया यह पेन है, इसका इंग्लिश बताओ, तो बोलेंगे इट इज ए पेन, ठीक है। इट इज ए चेयर, यह कुर्सी है, तो यह कुर्सी है, कुर्सी है तो इट इज ए चेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं। हाँ वही चीज़ पहले बताया कि पैनिक होकर के मत पढ़िए, एकदम इंजॉयफुल मूड में ना, क्योंकि ये पढ़ना है, इट्स आवर एसेंशियल ड्यूटी, और कोई काम तो है नहीं, बताओ तो स्टूडेंट का क्या काम है, पढ़ाई करना, खाइए पीजिए खेलिए पढ़िए और मस्ती से पढ़िए, समझिए रूल्स को और उसको हमेशा रिवाइज कीजिए दिमाग में। थर्ड रूल देखिए, छोटे छोटे जानवर अथवा कीड़े मकोड़े के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे जानवर या कीड़े मकोड़े, बड़े जानवर नहीं। फॉर एग्जाम्पल इट इज ए डॉग, माने यह नहीं बोलेंगे एक कुत्ता है ना, आपको वाक्य दिया जाए कि यह कुत्ता है, यह कुत्ता है, तो आप क्या बनाएंगे, जनरली आप बनाएंगे दिस इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग, ए आप अपने मन से जोड़ देते हैं दिस इज ए डॉग, क्योंकि सिंगुलर है, कुत्ते नहीं है। अब कहा जाए कि कुत्ता है, मान लीजिए कहीं कहना है आपको कि कुत्ता है, तब आप क्या बनाएंगे, डॉग इज खाली बनाएंगे, कुत्ता है, इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ईट यहाँ लगा देंगे, ईट इज ए डॉग, इट इज ए डॉग, देखिए जब बना हुआ है सेंटेंस एग्जांपल में, इट इज ए डॉग मतलब कुत्ता है, बिल्ली है, इट इज ए कैट, ठीक है ना, इट इज एन एंट, एंट लगा है ना, मालूम है आपको वॉवेल से का एंट है, तो ए है, ए से पहले वॉवेल, ए वॉवेल है तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है, आर्टिकल ए नहीं लगता है, तो इट इज एन एंट। अक्सर हम पूछे स्टूडेंट से कि यह एक सेब है या यह एक हाथी है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, बड़े बड़े स्टूडेंट बताइए, बड़े क्लासों के तो समझते हैं कि एकदम वेरी सिंपल है, और जान लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ होता है वहीं गलती होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, अरे यह एक हाथी है तो एक सिंपल सेंटेंस है, तुरंत बताते हैं दिस इज ए एलिफेंट, आर्टिकल मिस्टेक, ठीक है ना, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, कॉशस रहना हमेशा। चलिए दिस इज एन एलिफेंट है ना, वहाँ एन होगा। नेक्स्ट समझ गए रूल को, इस थर्ड रूल था। चलिए फोर्थ रूल, चौथा रूल देखिए, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस बनाने के लिए, उसको जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर ताकत ला जोर देते हैं, माने उसको ध्यान आकर्षित करते उसके तरफ, तब उसके लिए ईट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर एम्फेसिस देने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इट इज सैंकी हु हेल्प्ड हिम एट लास्ट, इट इज सैंकी हु हेल्प्ड हिम लास्ट नाइट, माने पिछली रात को जिसने मदद किया था सैंकी है,
पिछली रात को जिसने मदद किया था सेंकी है, मैंने उसकी मदद किया था। इट इज आई हु हैव टॉट यू, मतलब आई पर जोर दिया गया, पहला में सेंकी पर जोर दिया गया है ना, कि ये सेंकी ही है, कोई दूसरा नहीं था, सेंकी, और मैं ही हूँ, इट इज आई। और एक चीज और यहाँ ध्यान देंगे, आई के साथ एकदम ये जानकारी की चीज़ है ना, आई के साथ हम लोग आई एम का प्रयोग करते हैं, एम आई, आई एम, बट ईट जब लगता है तो ईट के लिए आप क्या करते हैं, एम के लिए, सॉरी आई के साथ इज लगता है। देखिए यहाँ पर इट इज आई, देख रहे हैं, इट इज आई का हिंदी क्या हुआ? यदि आपसे कहा जाए कि इसका इंग्लिश आप बनाओ, आप इसका इंग्लिश बनाओ, मैं हूँ, इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे आप? आई एम लिखेंगे? नो, आई एम गलत हो जाएगा, क्या लिखिएगा? ये देखिए, इट इज आई, इट इज आई, मैं हूँ का इंग्लिश होगा इट इज आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं दरवाजा खटखटा रहे हैं और अंदर से पूछा हु आर यू या हु इज देयर, और आपको इधर से कहना है कि मैं हूँ, तो मैं हूँ और इंग्लिश में बोलना है तो क्या कहेंगे? आई एम गलत हो जाएगा, आई एम मत बोलिएगा, इट इज आई। तो आई के साथ इज का प्रयोग, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, जानकारी ले लीजिए, आई के साथ इज का प्रयोग दो कंडीशन में है, पहला इट इज आई मैंने मैं हूँ, और दूसरा आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट, क्लियर है, आई जो है अल्फाबेट का, वर्णमाला का नौवां लेटर है, तो आई इज द नाइन्थ लेटर, आई के साथ आई एम नहीं लगाएंगे अब, वहाँ आई लेटर है वो, मैं आई के हिंदी मैं नहीं हो रहा है, तो आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट, तो आई के साथ इज लग गया। आप बेटिंग भी कर सकते हो किसी से कि आई के साथ आई एम लगता है कि इज, कहीं इज लगता है कि नहीं, तो अगला कहेगा बिल्कुल नहीं, तो आप बताइए कि दो कंडीशन है, आई के साथ इज का प्रयोग भी किया जाता है, होता है। चलिए नेक्स्ट है, इट इज द डायरेक्टर दैट वी वॉन्ट टू सी, इट इज द डायरेक्टर दैट वी वॉन्ट टू सी, ये डायरेक्टर हैं जिनको हम लोग देखना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला सेंटेंस, अगला रूल जो है पांचवा रूल, छोटे छोटे बच्चे, देखिए छोटे बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रेन या बेबीज है ना, छोटे बच्चे जिसके लिंग की जानकारी नहीं हो, इनके लिए भी ईट का प्रयोग किया जाता है। छोटा बच्चा है, अब हम नहीं जान रहे हैं ना, मतलब वर्ड से नहीं जान रहे हैं, ऐसे तो देख के जान ही जाएंगे लड़का या लड़की है, लेकिन उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया, प्रयोग किया गया है, उससे हमको नहीं पता चलता है कि वो बॉय है या गर्ल है, तो वहाँ ईट करेंगे, ही और सी नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज, देखिए यहाँ ईट जो लगा है ना, ईट्स, तो क्या है ये चाइल्ड के लिए आया है। अब चाइल्ड से तो हमको पता नहीं चलता है वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, बॉय है या गर्ल है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर, अगर यहाँ बॉय रहता, द बॉय वॉज प्लेइंग विथ, तब हिज कर देते क्योंकि क्लियर हो गया उसका लिंग, गर्ल रहते तो हर कर देते, हर टॉयज, बट चाइल्ड है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर के वर्ड अगर आते हैं तो उनके साथ आप ईट का प्रयोग करेंगे। ओके, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, देखिए द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, ईट किसके लिए आया है? बेबी के लिए आया है। क्यों ईट क्यों आया? क्योंकि बेबी हम नहीं जान रहे हैं मैस्कुलिन के फेमिनिन है, बेबी मीन्स बच्चा, हियर चाइल्ड बेबी आर नॉट नोन वेदर बॉय और गर्ल, क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ कन्फ्यूज ना हो, कब हीज लिखें या हर लिखें, क्या लिखें, तो उसके जगह पर आप इट्स लिखेंगे, इट लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइव रूल्स हो गया। इसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, अब ये टॉपिक चेंज हुआ, पांच रूल आप ध्यान रखेंगे अभी जो हम लोग ईट वाला पढ़े, कि ईट का प्रयोग किस कंडीशन में होता है, कब कब किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि एक ही सेंटेंस में, एक सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर ये तीनों आ जाते हैं प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के भी प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के भी है और थर्ड पर्सन के भी है, तो उनका ऑर्डर हम क्या रखेंगे, किस ऑर्डर में लिखेंगे उन सभी प्रोनाउंस को। देखिए ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस ना, ऑर्डर मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, क्रम
ना, ऑर्डर क्रम। यहाँ वैसे ऑर्डर मीन्स आदेश होता है, आज्ञा होता है, बट यहाँ क्रम होगा। देखो सेंटेंस में जब अच्छा काम का बोध हो, अच्छा काम माने गुड वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तब वहाँ का क्रम होगा, ऑर्डर होगा प्रोनाउंस का 231। बिल्कुल याद रखेंगे 231 मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन ना, सॉरी 231 है ना, 231 पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, लास्ट में फर्स्ट पर्सन, ये 231 है। अगर अच्छा काम हो तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन लिखेंगे गुड डीड्स के लिए। फॉर एग्जांपल इसके लिए जैसे अगर अच्छा काम हो रहा है जो बताया आपको हम, तो 231 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, इसका इस्तेमाल आप करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे ऑर्डर में वो प्रोनाउन को। जैसे फॉर एग्जांपल यू ही एंड आई विल लीव फॉर बॉम्बे टू नाइट, ये सही है, ये करेक्ट है। अगर आप इसको लिखते हैं आई ही एंड यू विल लीव फॉर बॉम्बे टू नाइट, तो ये गलत होगा, ये गलत है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हिंदी में किसी भी क्रम में हो, हिंदी में किसी भी क्रम में हो, बट उसका आप इंग्लिश जब बनाएंगे तो इसी क्रम में लिखेंगे, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है, कोई है तो खराब तो नहीं है कि आज रात हम लोग बॉम्बे को छोड़ देंगे, बॉम्बे से निकल जाएंगे, तो ये बैड नहीं है। बट आगे हम समझेंगे कि फिर ये क्रम चेंज कैसे होता है। इस क्रम को याद रखेंगे 231 याद रखेंगे, 231 ना, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और का प्रयोग किया जाता है लास्ट में, ओके। तो अभी हम लोग ये समझ गए कि कोई अच्छा काम हो तो 231 रूल फॉलो करेंगे, क्लियर है। चलिए तो अब एक चीज बताइए आप कि यदि सेंटेंस एक है, आप बताएंगे सही या गलत है। यू देखिए, यू ठीक है, इसको लॉक नहीं किए थे, यू यू आई एंड ही, यू आई एंड ही ठीक है ना, और हैव टू हेल्प हर, हैव टू हेल्प हर, हेल्प हर, ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, सही या गलत है। यू आई एंड ही, देखिए यू आई एंड ही हैव टू हेल्प हर, देख रहे हैं क्रम, देखिए इसका सेकंड पर्सन है पहले, इसके बाद फर्स्ट पर्सन आ गया और फिर थर्ड पर्सन आया, तो क्या हो गया 213 हो गया, 213 हो गया, तो ये रॉन्ग है, ओके ये गलत है। सही क्या होगा, यू ही एंड आई है ना, यहाँ पर ही होगा, ठीक है, यू ही एंड आई, देखिए यहाँ पर यू तो ठीक ही है और ये दोनों क्रम आप चेंज कर दीजिएगा, बाकी सब सही है। क्यों जानते हो, क्योंकि यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है ना, गुड डीड्स है, यहाँ किसी का हेल्प करना तो ये अच्छी बात है ना, तो यू उसके बाद ही कीजिएगा, यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, ये क्रम आपका सही हो गया। देखिए 231 हो गया, वाई ओ यू है ये, यू सॉरी यू है, यू ही एंड आई, क्लियर है। अब टेस्ट किया आपको मैंने क्रम, इसको ध्यान रखेंगे, जांच किया आपका कि अच्छा काम हो रहा है तो ये क्रम रखेंगे 231। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या ये क्रम बदलता कैसे है, देखिए। और अगर सेंटेंस में गलती, दोष या बुरा काम का बोध हो, मतलब निगेटिव थिंकिंग आ गया है, निगेटिव आ रहा है, तब क्रम क्या हो जाएगा, योर ऑर्डर विल बी 123 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। अब एक ध्यान रखने का तरीका है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल सीधा जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उल्टा समझिएगा इसको, गलत करने वाला सीधे नहीं जाता है, आप उसके दिमाग में रखेंगे कि उल्टा उसको करना है हमको, कि 123 मतलब ये रॉन्ग है, जो सही क्रम में आया वो रॉन्ग है, बस यही ध्यान रखेंगे, तरीका याद करने का। एग्जांपल देखिए, आई यू एंड ही हैव कमिटेड ए साइन, साइन मीन्स क्या होता है, SIN, साइन मीन्स होता है पाप, है ना, पाप होता है,
तो आई यू एंड ही क्या क्रम है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हैव कमिटेड ए साइन, तो यहाँ पर पाप हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्रम सही है, 1 2 3 है। अगर हम करेंगे यू ही एंड आई हैव कमिटेड ए साइन, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कि अगर गलती हो, निगेटिव थिंकिंग में आ रहा हो कोई चीज़, तो आप जो प्रोनाउंस हैं, पर्सन है प्रोनाउन के, उसको सीधे क्रम में रखेंगे, ठीक है। और अगर उस तरह से मैंने अच्छा काम हो रहा है तो उसका क्रम, समझ रहे हैं, उसका क्रम था, देखिए पीछे ध्यान रखिए, 231 थ्री बीच में आएगा, माने थर्ड पर्सन बीच में रहेगा, अब फर्स्ट होगा, फर्स्ट लास्ट में रहेगा। अच्छा काम करेगा तो आई सिंबल दे रहे हैं याद रखने का, अच्छा काम तो लास्ट में आई रहेगा। हमेशा अच्छा काम करने के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए याद करने का तरीका है। तो अच्छा काम हो रहा है तो आई आगे रहेगा, बिल्कुल मैं आगे रहूँगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बीच में कौन होगा, नीचे वाला, थर्ड वाला बीच में रहेगा। चलिए ओके, तो आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग प्रोनाउन के पर्सन को समझे, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट इस क्लास में, अगला जो टॉपिक है आपका वो रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव को ही इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि इस पर जोर दिया जाता है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कर्ता पर कार्य होने को इंगित करता है, माने जो काम हो रहा है वो कर्ता के ऊपर ही हो रहा है, अर्थात जब सब्जेक्ट द्वारा किया हुआ कार्य किसी दूसरे पर न पड़कर अपने पर पड़ता है, उसी के ऊपर जब पड़ता है तब वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसमें आप पढ़े हैं, जानते हैं ऑलरेडी, नहीं जानते होंगे तो अभी आप जान जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। रिफ्लेक्सिव हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ, है ना, ये हर सेल्फ, ये सब जो सेल्फ जिसमें लगता है, सेल्फ माने क्या होता है, स्वयं के लिए होता है ना, सेल्फ बहुत सा होता है। आप सोचे होंगे कि ये सेल्फिश है, सेल्फिश मैंने स्वार्थी, वो स्वयं के लिए ही करता है, तो इसे भी याद रखेंगे इसमें कि सेल्फ आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में अब इसके एग्जांपल्स में देखेंगे हम लोग, एग्जांपल्स इसके, जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पॉजेसिव तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउंस के साथ सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन बनाया जाता है। इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पॉजेसिव जो है, या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव है, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव है ना, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव है माई, आई मीन्स मैं, नॉमिनेटिव केस होता है, और उसका ऑब्जेक्टिव हो गया माई, मेरा, और उसका सॉरी पॉजेसिव केस है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं, पॉजेसिव केस, माई मैंने मेरा पॉजेसिव केस है। यू, यू का योर, और ही का हिम होता है, ठीक है ना, ही का हिम, हिम मैंने उसको, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और देम का, दे का देम सेल्फ्स, दे का देम होता है तो देम सेल्फ्स हो जाएगा, क्लियर है। इसमें सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ते हैं, सेल्फ कब जोड़ेंगे, सेल्फ्स कब जोड़ेंगे अभी ध्यान रखिएगा, जब सिंगुलर है तब सेल्फ जोड़ेंगे, और प्लुरल है तो सेल्फ्स जोड़ेंगे, जैसे दे का देम हुआ है ना, दे मैंने प्लुरल है, बहुत सारे हैं, तो वहाँ सेल्फ्स हो गया, और माई, आई है मैंने, माई मैंने मेरा, सिंगुलर है तो सेल्फ हो गया। जैसे एग्जाम्पल ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुँचाई, उसने अपने आप को चोट पहुँचाई, ठीक है, ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ही है इसलिए हिमसेल्फ हो गया, आई रहता तो माई सेल्फ होता, यू रहता तो योर सेल्फ होता, बस समझ लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग दो कारणों से होता है, इसका रीजन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग दो कारण से होता है, यह दर्शाने के लिए कि व्यक्ति स्वयं पर कुछ करता है, पहला कारण है। एग्जाम्पल वॉस्ट जो आई है यहाँ पर, है ना, आई, आई वॉश्ड माई सेल्फ, चूंकि माई सेल्फ है तो आई छुपा हुआ था, आई आ गया। एक चीज़ और है, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है, इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे कम हियर तो वहाँ यू हिडन होता है, बट इसमें नहीं, इसमें आई आपका रहेगा, आई वॉश्ड माई सेल्फ,
जो इंपेरेटिव सेंटेंस कम हियर बोले तो वहाँ यू छुपा हुआ है, सब्जेक्ट यू, यू कम हियर, बट यू नहीं बोला जाता है, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, है ना, ये सब बोल दिया जाता है ऑर्डर जो होता है इंपेरेटिव में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द हॉर्स हिट इट सेल्फ, हॉर्स है ना, इसलिए यहाँ पर इट सेल्फ लगा है, इट सेल्फ। अब यहाँ हिम सेल्फ या हर सेल्फ नहीं कहिएगा, है ना, क्योंकि हॉर्स है, एनिमल है, जानवर है, तो वहाँ इट सेल्फ हो जाएगा। इफ यू गो एलोन यू मे हार्म योर सेल्फ, योर सेल्फ क्यों लगा है यहाँ पर, यू के चलते, सेकेंड पर्सन है यू, तो यू का योर हो गया और सेल्फ लग गया, योर सेल्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड रूल है इसमें कि जोर देने के लिए, इसीलिए इन्हें इम्फेटिक भी कहा जाता है, किसी सब नाउन पर या प्रोनाउन पर अगर हम जोर देते हैं उस पर, तब उसको इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, और उसके लिए हमको सेल्फ लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल है यू, योर सेल्फ नो इट, तुम स्वयं ही इसको जानते हो, यू योर सेल्फ नो इट, तो योर सेल्फ क्या हो गया, जोर दिया गया। सेकेंड एग्जाम्पल, सी सेड इट बिकॉज सी हर सेल्फ सॉ इट, ठीक है ना। और थर्ड है, सी हर सेल्फ बिलीव्स इन सुपर सिचुएशन, है ना। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल्स हो गए, और इसमें आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि आगे देखिए, नोट है इसका अब कि इम्फेटिक प्रोनाउंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो उससे स्टार्ट नहीं करेंगे, ये सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस का। एग्जाम्पल, माई सेल्फ विल सी इट टू इट, ये गलत है, माई सेल्फ विल सी टू इट, ये रॉन्ग है, क्योंकि माई सेल्फ को यहाँ आपने सब्जेक्ट बना दिया। सेकेंड, शशि एंड माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट, ये भी गलत है, जानते हैं शशि ये तो सब्जेक्ट हो सकता है, बट ये माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, शशि एंड आई होगा, शशि एंड आई वेंट टू द मार्केट, तब ये सही हो जाएगा। यदि आप आई लिख देंगे सही हो जाएगा, बा माई सेल्फ नहीं लिखेंगे, एज ए नोमिनेटिव केस में ये नहीं प्रयोग होगा इम्फेटिक वर्ड, इम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो नोमिनेटिव में नहीं होगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, नोट्स में ही है, है ना। और इस तरह से हम लोग आज ये वीडियो पूरा किए, क्लास को ख़त्म किए हम लोग, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी का, है ना। प्रोनाउन का भी अभी है, प्रोनाउन में ही, और हम लोग समझेंगे कि बाकी जो प्रोनाउन है, अभी तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है बाकी है, है ना, और उन सब प्रोनाउन को अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।